हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लियर द रेड टैग। फ्रेंड, आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देखकर पता ही चल गया आज की इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करना है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप उसी समय पहले यूट्यूब पर सर्च करते हैं नित्य की सपोर्ट, तो फ्रेंड वहाँ पर आपको एक चैनल दिखाई दे रही थी। लेकिन फ्रेंड, अगर आप अभी के टाइम में सर्च करते हो यूट्यूब पर नित्य की सपोर्ट, तो फ्रेंड वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यानी फिर उनका जो चैनल हैक हो चुका है, और फ्रेंड उनका चैनल में लगभग 90 के सब्सक्राइबर के करीब थे। तो फ्रेंड इसी से आप पता लगा सकते हैं, फ्रेंड जब उनका चैनल हैक हो सकता है, तो फ्रेंड हमारे भी चैनल को भी हैक हो सकता है। फ्रेंड अगर आप इसी तरीके से गलती करते हैं, तो फ्रेंड आपका भी चैनल को भी हैक हो सकता है। तो फ्रेंड उसी तरीके से समझाने के लिए चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर। अगर मैं अपने YouTube को ओपन करता हूँ, YouTube को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर अगर मैं सर्च कर देता हूँ नित्या के सपोर्ट, तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो उनका चैनल यहाँ पर आपको कोई पर भी नहीं दिखाई दे रहा। साथ ही साथ फ्रेंड उनका जो वीडियो भी नहीं दिखाई दे, तो फ्रेंड यानी उनका जो चैनल हैक हो चुके हैं। फ्रेंड अगर उनका चैनल हैक नहीं होते, तो फ्रेंड यहाँ पर पहले ही उनका चैनल आ जाते, साथ ही साथ उनका जो वीडियो भी आ जाते। फ्रेंड चैनल हैक होने का रीज़न कई सारे भी हो सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहले चैनल हैक होने का रीज़न यही होता है। फ्रेंड अगर आपका चैनल को कोई भी हैक करने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंड आपका जीमेल में मैसेज आ जाता है। फ्रेंड वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, येस और नो। फ्रेंड अगर आप येस पर क्लिक करते हो, तो फ्रेंड आपका चैनल हैक हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप नो पर क्लिक करते हो, तो फ्रेंड आपका चैनल कभी भी हैक नहीं होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले रीज़न यही होता है। उसके बाद फ्रेंड सेकंड में, अगर आप अपने मेन जीमेल को अपने स्पॉन्सरशिप के लिए ऐड करते हो, यानी फ्रेंड अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड करते हो, तो फ्रेंड वहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप के लिए कोई भी आपको मैसेज करेगा। फ्रेंड अगर आप उस पर क्लिक करते हो, तो फ्रेंड उसके नीचे एक लिंक रहेगा। फ्रेंड अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, फ्रेंड अगर आप कोई भी आपके चैनल को हैक करने के लिए कोशिश करते हो, तो फ्रेंड आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करो, तो फ्रेंड आपका मोबाइल के जितने भी डाटा है A to Z, आपको मोबाइल में जितने भी रहेगा, जितने भी पासवर्ड रहेगा, सभी उनका पास चला जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से भी चैनल को हैक करते हैं। तो फ्रेंड इसलिए आपको मेन जीमेल को कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है।